अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट्स जो मिलती रहे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये बिन बुलाए गर्मी इन्जॉय कर रहे होंगे। इस बार तो हमें गर्मियों ने बिल्कुल भी चांस नहीं दिया कि उनको मिस किया जाए। ठीक है, सो मैं थी अब यूनिवर्सिटी से लेट, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, क्योंकि जो हमारा पिछला सेमेस्टर था उसमें हमारी क्लासेस थी 9 बजे और इस सेमेस्टर में हमारी क्लासेस हैं 8 बजे। सो मेरे लिए, मेरे दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है फंक्शन करना इस बात को कि मुझे जल्दी जाना है। सही है, तो अभी हम होंगे यूनिवर्सिटी में एंटर। अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लास की तरफ, और लेकिन फिर भी एज अ व्लॉगर, एज अ रिस्पॉन्सिबल व्लॉगर, मैंने हर पॉइंट पर रुक के कैप्चर करना जो अपना फ़र्ज समझा। फिर हमारी VIP गेस्ट नंबर 1 जो है वो चिड़िया है। ठीक है, उसके बाद ही हमारी एक डम क्लास है, बिल्कुल बोरिंग, यहाँ हम बैठे रहे। एंड देन ये देख लें, इतना प्यारा रास्ता हमारा शॉर्टकट, क्योंकि हमें सड़कों से तो जाना नहीं आता ना। देन हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ और यहाँ मैं स्लोमो नहीं लगा सकें। तो स्काई इज अ ब्यूटी एज यूजुअल। ठीक है, उसके बाद जो है हमने महक स्पॉट की, और फिर महक को हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसने पिकनिक प्लान की थी महक के लिए सरप्राइज। सो ये देखें, VIP पर्सनैलिटी को भूल मिल रहे हैं। सही है, बर्थडे गर्ल से ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है हम रिक्शे में घुसे और हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ख्वारी हुई थी आज के दिन। हमारे डिपार्टमेंटल को पिक्चर्स बननी थी, उसकी वजह से हम लोग बहुत देर खज्जल हुए थे, आई थिंक 2 घंटे हम खड़े थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट एंटर हो गए। हमें ट्रीट मिलनी थी और हमें एक डेयर स्पॉट की, जिसका बच्चा ना इसको उठा के यहाँ से ले जाए। सही है, उसके बाद ये देख ली मछलियाँ, गेस्ट नंबर 2। ठीक है, और गेस्ट नंबर 3 हूँ मैं। ठीक है, ये प्यार उनके लिए जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे नहीं पता था कि चैनल को रीस्टार्ट करने पर भी आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने तो मतलब दिल खुश कर दिया। उसके बाद ये खाना आ गया और हम लोग पहला पीस हम लोगों ने स्कोन से खा लिया, और उसके बाद में हम लोग लास्ट बाइट पर मैं और रास्ते एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि यार इसको ख़त्म कैसे करना है। फिर हमने किया सिस्टर चीयर्स और हम वापसी का सफ़र जो है पैदल तय कर रहे थे, ताकि जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं पापा का वेट करने पुलिस को अपने अपने घर चले गए थे, और जो है ना मैं खामोश ज़रा जगह पे बैठ गई, और धूप बहुत तेज़ थी, बट इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना कि मौसम बुरा नहीं लग रहा था। फिर पापा आ गए और पापा के साथ जो है वो मैं घर जा रही हूँ। घर जा कर मैं आपको एक रेसिपी दिखाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ अपनी गो टू ब्रेड स्नैक रेसिपी। ठीक है, बहुत ईजी पीजी क्विक रेसिपी है। इसमें आपको चाहिए 3 सब्ज़ मिर्चें ले लें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी बंद गोभी, जितनी आपको चाहिए अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है आपको कितनी चाहिए उसकी। उसके बाद जो है ना आप लोगों ने ब्रेड लेनी है लोकल बेकरी वाली, अपने कंपनीज वाली जो ब्रेड होती है ना ये भुरभुरी होती है, लेकिन हमें थोड़ी मॉइस्ट और सॉफ्ट ब्रेड चाहिए। ठीक है, तो हमने ये वाली ब्रेड ली है। उसके बाद चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी का जो क्वान्टिटी है ना वो आपकी आप डिपेंड करती है। उसके बाद जो छोटे छोटे आलू पड़े हैं जो भी आपको पसंद नहीं आ रहे वो सारे आपने बॉयल कर लेने, क्योंकि उनकी फ्राइज तो अच्छी लगती नहीं है तो बॉयल करके खाए जाते हैं। उसके बाद आपने 2 टीस्पून जो है ना वो नमक ऐड करना, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून आपने चाट मसाला ऐड करना, ये हमने घर में बनाया था। ठीक है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना 1/2 आपने काली मिर्च पाउडर ऐड करना है, और 1 चम्मच आपने ना ये लाल कुट्टी मिर्च ऐड करनी है। मुझे पाउडर वाली पसंद नहीं है, मुझे कुट्टी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आपने अपनी जो चीज़ें आपने वेजिटेबल्स कट की थी वो अपने अंदर डाल देनी है, इसमें धनिया वगैरह, सब्ज़ मिर्च और बंद गोभी। ठीक है, तो ये सब ऐड करने के बाद आपने एक अदद अपने अब्बा जान लेने हैं, और आपने उनसे कहना है कि इसको मैश कर दें। ठीक है, आप अपने हाथों पर ग्लव्स डाल के भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह मैश करवाना है तो आप अपने अम्मा या अब्बा से मैश करवाएं। ठीक है, क्योंकि आपने जब सब्ज़ मिर्च डाली ना आप इसके अंदर, तो वो हाथों पे इरीटेशन करेंगे आपके, लेकिन बड़ों के हाथ ज़रा पक्के हुए होते हैं, आधे हो जाते हैं उन चीज़ों के, तो उनको इरीटेट करते हैं। दूसरा, मुझे ऑफर मिल गई थी पापा ने, कहा मैं कर दूँ, तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनसे हेल्प ले ली मैंने। तो ये करने के बाद अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना, और अच्छी तरह हमने इसको ना मैश करके बिल्कुल ऐसे करना ताकि जब ब्रेड पर लगे ना तो वो आलू मोटे मोटे ना रह जाएंगे। ठीक है, फिर हमने ये धनिया और अनारदाना का मिक्स पाउडर डालना है इसके अंदर। ठीक
के और फिर दोबारा उसको मिक्स कर लेना है। फिर हमने दो अंडे लिए, जो थोड़ी खुली प्लेट होती है उसमें लीजिएगा ताकि जब आप ब्रेड डिप करें तो वो ईजी रहे आपको, ठीक है। दो अंडे लिए हैं, दो या तीन, आप जितने वो पीसेज आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप लेंगे, ठीक है। फिर अंडे आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। तो उसके बाद जो है ना, आप लोगों ने इसको करें करें मिक्स करें मिक्स करें, फिर आपने ब्रेड लेनी है, आलू का अपना मसाला लेना है और उसको अच्छी तरह जो है ना वो सब ब्रेड कर लेना, ठीक है। दूसरा ये कि जब हम कैमरे के सामने काम कर रहे होते हैं ना, तो वैसे मेरे हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो है ना जब ऑफ कैमरा करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। सो ये आपने जो है ना वो बारीक बारीक लेयर से ब्रेड कीजिएगा ऊपर, ताकि ना वो ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो, फिर ज़्यादा ही वो मसाले ही मसाला लगता है कि मसाला खा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ब्रेड ज़्यादा रहेगा ना, थोड़ा पीस पीटा जाएगा उसके अंदर आपको। तो ये जो है ना हमने एक पीस पर लगा लिया, अब हम सेकंड पीस पर लगा रहे हैं। सिर्फ रेसिपी वाली वीडियोज़ मैंने इसलिए अपलोड नहीं की, मैंने कहा था कि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी रहे उसके अंदर और ये थोड़ा ब्लॉगिंग टाइप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ना अंडों में आपने डिप करना है, ठीक है। ये पहले मैं वो ही हूँ आशा जो मैं अंडे में ऐसे फिंगर में लगाती थी, ठीक है। तो लेकिन अब जो देखें कैसे पूरा हाथ जो है ना वो उसके अंदर डिप कर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं होता। अब बाद में हाथ धोने को पता भी नहीं लगता आपने अंडे में डिप किया था, ठीक है। तो इसको जो है ना आपने लो फ्लेम पर करना है, क्योंकि जो है ना हाई फ्लेम पर ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, क्योंकि अंडे की कोटिंग होती है तो वो जल्दी जल जाती है। फिर आपने अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करना है इनको, और आपने साथ साथ ही इनको हिलाते रहना, एक जगह नहीं पड़े जाने देना, फिर दूसरी तरफ से भी देख लें कितना प्यारा ब्राउन हो गया। अच्छा, अब हमने इनको प्लेट में निकाल लेना है। ये हमने एक प्लेट में निकाल लिया, और ये दूसरा घी आपने तवे पे ज़्यादा लगाना है, ठीक है। ये देख लें कितना प्यारा कलर आया। फिर ये केचप, ये भी घर में बनाई है, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आई है। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।